Hey, what's up guys, Vikas here and welcome back to another fresh video. So बहुत ही जल्द iPhone 15 सीरीज ना लॉन्च होने वाला है ग्लोबली एंड साथ ही साथ इंडिया में भी लॉन्च होगा. सो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आपको इस पर चार मॉडल्स देखने मिलेगा. सो जहाँ पे 15, 15 प्रो एंड प्रो मैक्स तो कन्फर्म ही है. अभी यहाँ पे ये नहीं पता कि 15 प्लस आने वाला है कि ना किसी और नाम से आएगा, क्योंकि 14 प्लस तो फ्लॉप रहा था बट स्टिल बहुत लोगों ने लिया है उसे भी, बट मोस्टली तो फ्लॉप ही था. तो आई एम नॉट श्योर कि ना ये जो फोर्थ मॉडल होगा वो कौन सा होगा, किसके बीच में आएगा, प्रो प्रो मैक्स के बीच में या फिर 15 15 प्रो के बीच में. बट खैर, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस 15 प्रो एंड प्रो मैक्स के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो जितने लीक्ड स्पेसिफिकेशंस है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि ना आईफोन इस साल ना डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि इसके ना डिज़ाइन में आपको ना एक टाइटेनियम फ्रेम देखने मिलेगा. जहाँ पे इससे पहले एल्यूमिनियम स्टील का फ्रेम देखने मिलता था वहाँ पे आपको टाइटेनियम देखने मिलेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही ड्यूरेबल हो जाएगा. एंड इस पर फिंगरप्रिंट्स ना ज़्यादा नहीं चिपकेंगे जैसे ना बहुत सारे आईफोन में चिपकते थे. एंड उसके ओवरऑल लुक्स भी तो ऑफकोर्स अच्छा होने वाला है. और ना कि सिर्फ इस पर आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने मिलता है बल्कि जो इसके ना बेजल्स है ऑल दिस पे ना ऑलरेडी बहुत ही कम बेजल्स थे, बट 15 15 प्रो ओवरऑल 15 सीरीज में और भी ज़्यादा कम होने वाला है कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स. सो यहाँ भी आप ना ध्यान दे सकते हो. एंड इसके अलावा सिर्फ ये ना डिस्प्ले में नहीं, जो इसके ना पावर बटन से वो भी आप सॉलिड स्टेट होने वाले हैं, यानी कि फिजिकल बटन सब नहीं देखने मिलेगा. स्पेशली 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में तो आपको देखने नहीं मिलेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट 15 एंड जो भी था चौथा मॉडल होने वाला है. तो मोस्टली मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो सॉलिड स्टेट बटन है ये सिमिलरली है मैकबुक के ट्रैक पैड की तरह. आपने जो मैकबुक का ट्रैकपैड देखा है वो एक बटन नहीं है, मे बी आप उससे ना लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको बटन वाली फीलिंग आएगी, बट वो पूरा ना नॉन क्लिकेबल है, पूरा वो हैप्टिक्स पे ना काम करता है. तो सिमिलर सा ना आपको स्पेस यहाँ भी देखने मिलेगा. जो इसके पावर बटन वॉल्यूम बटन है वो सिर्फ एक टच सेंसिटिव पे काम करेंगे, जब उसे प्रेस करोगे तो आपको इसे फीलिंग आएगी कि आपने बटन दबाया है, जबकि वो सिर्फ एक टच होने वाला है. सो ये सॉलिड स्टेट बटन आपको देखने मिलेगा. एंड इसके अलावा जो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इसमें आपको ना अलर्ट स्लाइडर आप देखते नहीं मिलेगा, उसे हटा के एक एक्शन बटन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. एंड ये जो एक्शन बटन है वो मल्टीपल रूल की तरह काम करेगा. आप इससे ना साइलेंट म्यूट कर सकते हो जो अपना क्लासिक था, उसके अलावा आप इससे ना फोटोज खींच सकते हो, उसके अलावा ये बटन पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकते हो. सो इस तरह का एक एक्शन बटन देखने मिलेगा. अभी यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है कि वो भी एक सॉलिड स्टेट बटन होगा या फिर एक फिजिकल बटन होने वाला है. एंड इसके अलावा जो ना इसकी चार्जिंग में चेंजेस आपको देखने मिलेगा. सो बैटरी तो ना हमारे पास कोई इतना न्यूज़ नहीं है अभी, बट इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने मिलेगा जो यूरोप ने कांड किया है. उसके बाद से अब आईफोन वालों को ना टाइप सी देना पड़ रहा है उनके सारे डिवाइसेस में. बट यहाँ पे कैच ये है कि ना सारे ही टाइप सी इस पर ना सपोर्ट नहीं करने वाले, जो आपका एंड्रॉयड यूजुअली होता है आपके घर पे. जो ये टाइप सी होने वाला है वो होगा MFI सर्टिफाइड, यानी मेड फॉर आईफोन सर्टिफाइड केबल्स ओनली. जैसे ना इनके लाइटनिंग पोर्ट है सिमिलरली ना इसमें भी होने वाला है. अगर वो सर्टिफाइड केबल नहीं है तो ना आपका फ़ोन चार्ज नहीं होने वाला है. सो आप ये मत सोचना कि आपके नॉर्मल एंड्रॉयड रियलमी या फिर ना शाओमी के चार्जर से कर देंगे चार्ज, नहीं ये नहीं होने वाला है. एंड कैमरे में भी आपको थोड़े चेंजेस देखने मिलेगा, स्पेशली आपको 15 प्रो मैक्स में. इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस होने वाला है जो कि है पेरिस्कोप जूम. एंड ये सिर्फ 15 प्रो मैक्स में आपको देखने मिलेगा, 15 प्रो या फिर 15 या फिर जो चौथे मॉडल होने वाला है उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रो मैक्स में ये मॉडल आपको देखने मिल सकता है. इसके अलावा जो कलर वेरियंट्स में भी थोड़े ना फंकी कलर्स आने वाले हैं. ये कलर तो फंकी नहीं कहूँगा, बट इसमें ना न्यू रेड, इसे आपको न्यू डार्क रेड कलर भी देखने मिलेगा. लेकिन ये तो प्रेफरेंस ना सब पे अपनी अपनी होती है, जिसको पसंद आए आए, जिसको नहीं आए नहीं आए. सो ये था ओवरऑल पैकेज ऑफ 15 प्रो 15 प्रो मैक्स. परफॉर्मेंस में तो ऑफकोर्स आपको इस पर A17 का बायोनिक चिपसेट देखने मिलेगा, उस पर कोई ना दोहराई नहीं है. एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ना चिपसेट भी है, आप सभी को पता है. सो ये था ओवरऑल पैकेज ऑफ 15 प्रो एंड प्रो मैक्स. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके क्या थॉट्स है, क्या फीचर्स और आने चाहिए थे या फिर कौन सा यूजलेस फीचर्स लगा आपको इसमें. सो इसी तरह के और वीडियो देखने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में बताना अपने ओपिनियंस, और मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी एक वीडियो में.